this part we look at about different, let's say, types of question which are being asked on function. So ye question diya hai, if f of x plus f of x is equal to this, and f1 is given as 2, to f 34 nikalna hai. To ye sare question mein issue kya hota hai student logo ko, ki they don't know ki mere ko start kahan se kare, starting point nahi mil pata hai. तो स्टार्ट करने को मैं फिर से बोलूंगा, एक ही वैल्यू दिया है, f1 इक्वल टू 2 दिया है, तो स्टार्टिंग तो यही से करना है. f34 आगे जाके मिलेगा तो बात की बात है. हाँ, तो पहले स्टार्ट तो करना पड़ेगा. f1 इज इक्वल टू आपको 2 दिया है, तो मतलब स्टार्ट मेरे को x का वैल्यू 1 से ही करना पड़ेगा. हाँ, तो x का वैल्यू 1 मैं आपको किया सब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया 1 प्लस f1 is equal to x का 1 यहां डालूंगा तो बनेगा 1 minus 3 and plus 5. तो ये आ गया f of 1 plus f1 is 2, ये बन गया 6 minus 3. तो you got f3 का value as 3. Okay, ठीक है. तो अभी मैंने x का value 1 डाला तो f3 मिल गया. अच्छा, उसके आगे जाना है, f34 जाना है. तो मैं अभी सोचूंगा x का value अभी 3 डाल कर देखते हैं कि अभी क्या होता है. x का वैल्यू होगा 3 डालेंगे यहां पर तो बनेगा f of x की जगह 3 plus f3 is equal to x की जगह 3, ये बनेगा 9 minus 9 plus 5. तो f3 का वैल्यू है 3, तो ये डाल दिया यहां पे 3, तो बन गया f6 का वैल्यू आ गया आपको 5 आ गया. ओके, f1 के बाद f3 मिला, उसके बाद f6 मिला. तो अभी x का वैल्यू 6 डाल कर देखते हैं क्योंकि और भी आगे जाना है. x6 यहां डालूंगा तो बनेगा f of x की जगह 6 plus f6 is equal to x की जगह मैं यहां 6 डालूंगा तो बनेगा 36 minus 36 जा 18 and plus 5. तो ये आ गया आपको 20, आपको 3 और f6 का वैल्यू है 5. You got f11 now. F11 मिल गया गाइस. तो F1 मिल गया, F3 मिल गया, F6 मिल गया, F11 मिल गया. अभी मैं F34 पे जाना है तो और अगला वैल्यू डालता हूं, X का वैल्यू 11 डालता हूं. X 11 डालूंगा तो बनेगा F of 11 plus F of 11 और X का वैल्यू 11 यहां डालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 121 minus 3 into 11 and plus 5. तो ये बन गया 126 में से मेरे को आपको 33 करना है माइनस. तो होल्ड ऑन, यहां पे क्या था, x की जगह 11 डालना था. f11 plus f11 का वैल्यू है आपको 23 और ये हटाएंगे तो बनेगा 26 और 7, ये 93 बनना चाहिए और ये ऐड होने पे हो गया आपको 34. यू गॉट द आंसर f34 एज 93 इज द करेक्ट आंसर गाइस. तो ये क्वेश्चन में आपको इशू वही है, स्टार्ट कहां से करना है समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, वो जो वैल्यू दिया है उसको यूज करके आगे बढ़ोगे तो यू माइट रीच योर डेस्टिनेशन. तो वैसे ही सोचना पड़ेगा. एक और क्वेश्चन आपको देखते हैं ऑन द सेम लाइंस, जिसमें कि कुछ वैसे ही सोचना पड़ेगा. तो अभी ये जो अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ, तो आप सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखो कि आपको स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ. इफ f of x plus 2 times f x plus आपको 503 upon x minus 1 is equal to 1002 minus x and where x it should not be equal to 1. Question है, find f 505 का value क्या होगा. तो सोचना चालू करो कैसे स्टार्ट करेंगे. हाँ, सोचने का तरीका गाइस, x 1 नहीं होगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 1 पे 0 हो जाएगा. अच्छा, f 505 निकालना, और यहां पे तो कोई फंक्शन का वैल्यू भी नहीं दिया, लास्ट वाले में तो f1 का वैल्यू भी दिया था, यहां पे डायरेक्टली f 505 ही पूछ रहा है. तो इफ नथिंग एल्स इज गिवन और यही मांग रहा है, हाँ, तो स्टार्ट तो मेरे मन में आएगा, अच्छा x का वैल्यू फिर तो 505 प्लग करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो f 505 हो गया ये,
एंड प्लस आपको टू टाइम्स एफ, एक्स की जगह 505 डालूंगा तो इनको ऐड करना पड़ेगा, 505 एंड 503 ऐड करूंगा तो आएगा 1008, और नीचे में 505 एंड माइनस 1 ये हो गया आपको 504 इज इक्वल टू 1002 में से ये 505 माइनस करना पड़ेगा। तो अभी देखो ये वैल्यू अच्छा हो गया, ये दो बार में जाएगा, तो इसके जगह पर इरेज करके मैं डायरेक्टली F2 लिख देता हूँ, और ये माइनस करेंगे तो 502 माइनस 5 हो जाएगा, आपको आ जाएगा 497 आ गया इसका वैल्यू। अभी आगे देखिए, F505 निकालना था तो वो तो नजर आ गया, लेकिन ये F2 एक नया आ गया। ऐसे सोचो कि X प्लस Y एक मान लो इक्वेशन है, तो मेरे को अगर x का वैल्यू निकालना है तो आई शुड नो द वैल्यू ऑफ y, आपको दो वेरिएबल हो गया। हाँ, तो वैसे इसको दो वेरिएबल ट्रीट करो, ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा f2 नया वेरिएबल आ गया, तो ये निकालने के लिए आई शुड नो द वैल्यू ऑफ f2, और f2 निकालने के लिए मेरा अगला थॉट होगा x का वैल्यू 2 ही डालना पड़ेगा यहाँ पर। x का वैल्यू अगर 2 डालूंगा यहाँ पर तो ये बनेगा f2 एंड प्लस आपको 2f, x2 डाला तो ये 2 प्लस 503 हो गया, ये 505, और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 1 आप डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो वो तो बात बराबर ही है, और ये 1002 तो माइनस 2 करोगे तो बन जाएगा 1000। तो ये आ गया, अभी ये लीनियर इक्वेशन बन गया गाइस, इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं भी, आपको बेहतर नजर आएगा। F505 प्लस आपको 2F2 इज इक्वल टू दिस, इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, आपको 2 टाइम्स F ऑफ 505 एंड प्लस F ऑफ 2 is equal to आपको 1000, ये लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, F505 निकालना, it means I need to get rid of F2. F2 हटाने के लिए इस equation को 2 से multiply करना पड़ेगा, इसको 2 से multiply करूंगा तो बनेगा 4, ये बनेगा 2, और ये हो जाएगा 2000, और अगर मैं अभी दोनों को subtract अगर मैं कर दूं, तो ये part आपको कट जाएगा, ये minus करोगे तो आएगा minus 3F आपको 505 is equal to minus 1503, सही है 1500, हाँ ठीक है, ये माइनस माइनस ये गया, तो F505 का वैल्यू आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा आपको 501 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इवन दो आपको थोड़ा रैंडम सवाल है, लेकिन हाँ स्टार्ट करने के लिए आपको वही सोचना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं दिया है, हाँ तो वहां जो आपको पूछ रहा है आप वही से स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट वन गाइज, ये क्वेश्चन बोलता है f of x plus y is equal to f of x into f of y and for all real values of x and y if f of 4 is 3 in that case f of minus 8 निकालिए। ऐसा सवाल एक्चुअल एग्जाम मतलब कैट में आया हुआ, इवन दो वैल्यूज माइट हैव बीन डिफरेंट, लेकिन ऑन द सेम आइडिया दे हैव, उन लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, तो एक बार देखते हैं। अब सोचो ये पॉजिटिव वैल्यू दिया है और नेगेटिव वैल्यू मांग रहा, इनपुट नेगेटिव कर दिया है यहाँ पर, और ये रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए कि नेगेटिव जानने के लिए मे बी मेरे को आपको कभी जीरो का वैल्यू यूज करना पड़ सकता है, तो एफ फोर दिया है ये तो यूज है तो करना ही पड़ेगा, तो मे बी एक्स का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, नहीं तो वाई का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, तो कोई एक वैल्यू तो 4 लेना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे मन में थॉट आएगा अगर एक्स का वैल्यू 4 ले लिया और वाई का वैल्यू 4 ले लिया मान लो, तो ये बन जाएगा एफ एट, ओके ये एफ एट हो गया, ये एफ फोर है और ये भी F4 हो जाएगा, F4 का वैल्यू मेरे को पता है, तो F4 का वैल्यू 3 है और ये भी F4 का वैल्यू 3 है, F8 का वैल्यू 9 आ गया, होल्ड करो, लेकिन मेरे को F8 नहीं चाहिए, F of minus 8 चाहिए, तो मैं अभी के लिए आपको यहां लिख रहा हूं कि we know F8 का वैल्यू आ गया। अभी माइनस 8 पे जाना है, हाँ तो मैं सोचूंगा एक को माइनस 8 ले लू और एक को 8 ले लू, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल पे सोच रहे हैं अभी, तो इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा F0, ओके ठीक है F0 बन गया, हाँ तो यहाँ पर F of minus 8 आएगा, वो तो निकालना ही है, और अगला F of 8 आएगा, तो F of 8 पता है, लेकिन LHS में F of 0 था वो तो पता ही नहीं है, तो मतलब F of minus 8 निकालने के लिए कुछ भी करके मेरे को F0 निकालना पड़ेगा, हाँ तो सबसे पहले आइए F0 निकालते हैं। F0 निकालने के लिए एक वैल्यू ये यूज ये तो करना है और y का वैल्यू आपको जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे y से वर्षा कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को जीरो ले लो और y को 4 ले लो, हाँ चलो
तो ये बन गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई होगा 4 इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स इज 4 इंटू एफ ऑफ 0, एफ 4 का वैल्यू है 3, तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको इरेज करके, और अदर ये 3 ये भी 3 एफ 0, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एफ 0 एज 1, एफ 0 आ गया 1, तो एफ 0 आ गया 1. एफ 8 हम लोगों ने निकाल सकते थे, कैसे निकालते थे वो देख लो, ये दोनों को चार चार यहां डाल दोगे तो बन जाएगा एफ 8, ये बनेगा एफ 4 इंटू एफ 4, एफ 4 का वैल्यू है आपको 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 9, तो एफ 8 का वैल्यू आ गया 9. एफ 0 एफ 8 मिल गया गाइस, अभी एफ ऑफ माइनस 8 आपको पक्का मिल जाएगा, तो अभी क्या करूंगा, x का वैल्यू माइनस 8 और y का वैल्यू 8 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इट कुड बी y से वर्सा ऑल्सो, तो माइनस 8 प्लस 8 इज एफ 0, ये बनेगा f ऑफ माइनस 8 एंड प्लस f ऑफ 8, मैं सॉरी इन टू है, तो f ऑफ 0 का वैल्यू आया है 1, तो यहाँ लिखा 1, f ऑफ माइनस 8 तो मेरे को चाहिए ही, और f ऑफ 8 का वैल्यू आया है 9, तो योर आंसर विल बी 1/9 इज द करेक्ट आंसर. फिर आप बोलोगे ये सब अभी कैसे स्ट्राइक होगा, ये सब अपने को मैं बोलूंगा, ऐसे सवाल आपको पहले एक बार ट्राई करना पड़ेगा, आपको खुद से फिर सोल्यूशन देखना पड़ेगा, ऐसे करके 4-5 सवाल में भी और ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा. तो आप एक बार आप खुद से देखो कि अच्छा एफ 4 दिया हुआ था, तो मैं एफ ऑफ माइनस 4 का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इवन दो इट्स नॉट बीइंग आस्क्ड. अरे एफ ऑफ माइनस 4 निकालना है तो मे बी आई कैन यूज x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू माइनस 4. हाँ, एक बार देखते हैं, ये x प्लस y करूंगा, हाँ तो बन जाएगा f0, तो f0 का वैल्यू हाँ निकालना पड़ेगा, वो निकाला हम लोगों ने, f ऑफ 4 होगा f ऑफ माइनस 4 होगा, f4 का वैल्यू दिया है तो आ जाएगा f ऑफ माइनस 4, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल आपको थोड़ा लगाना ही पड़ेगा गाइस. और एक और क्लू रहेगा, आपको जब भी पॉजिटिव आउटपुट से नेगेटिव आउटपुट पे जाना होगा तो जनरली, हमेशा नहीं जनरली, F0 निकालना पड़ता है, तो वो अगर और सवाल बनाओगे तो आइडिया समझेगा F0 निकालना ही पड़ेगा मेरे को पहले. तो ऐसे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं गाइस.